हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। और आज है 27 फरवरी, और 27 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा देशभर में रेलवे में चल रहे काम के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में पीयूष मंत्री हाल ही में मतलब जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, हाल ही में जो रेलवे में चल रहे काम के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए ये रेल दृष्टि डैशबोर्ड, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये लॉन्च किया गया है। और ये लैपटॉप मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके इसे एक्सेस किया जा सकता है। इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि रेलवे में चल रहे काम में जो लोगों को कैसे सूचित किया जाना है, तो इसके बारे में ये बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ के सहयोग के से किया जा रहा है। तो आपको इतना याद रखना है, मतलब कि WHO और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के सहयोग से उद्घाटन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर मीटा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो ये महेश एच कुंचलवार हैं, ये है महेश एच कुंचलवार, जिन्हें हाल ही में महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड 2019 के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार से, ये गांधी शांति पुरस्कार पहले बता देता हूँ आपको, 2015, 16, 17 और 18, ये तीनों चारों साल के लिए दिया गया है, जो कि 2015 का दिया गया है विवेक केंद्र को दिया गया है, ये कन्याकुमारी साइट का एक केंद्र है। तो और एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया है, ये 2017 को दिया गया है, मतलब 2017 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है एकल को, और 2018 का दिया गया है योही सासाकावा को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 2018 का योही सासाकावा और 2017 का एकल अभियान ट्रस्ट। और 2016 को किसे दिया है पूछा जाता है, तो 2016 को अक्षय पात्रा फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल संयुक्त रूप से इन्हें 2016 का दिया गया है। तो इतना आपको इसके बारे में, गांधी शांति पुरस्कार के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंकैया नायडू द्वारा विमोचन पुस्तक एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया किसके द्वारा संपादित की गई? तो हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचन जो पुस्तक किया है इन्होंने हाल ही में, जिसका नाम है एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया, तो ये किसके द्वारा संपादित की गई है? तो ये डॉक्टर एच चतुर्वेदी के द्वारा ये संपादित की गई है। भारतीय उच्च शिक्षा पर प्रमुख नीति निर्माताओं द्वारा ये निबंध इस पर लिखे गए हैं इस बुक में, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में ये मध्य प्रदेश और असम दोनों राज्यों में डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया, मतलब राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया है, NID। अब बात हुई है मध्य प्रदेश और असम की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल तो है भोपाल, आपको पता होगा, और असम की है दिसपुर, जो कि मध्य प्रदेश के CM अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ था तो कौन थे, कमलनाथ बनाए गए हैं, ये मतलब कमलनाथ यहाँ के CM बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको बता देता हूँ, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला में है, मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में। तो आपको इतना वेरी इंपॉर्टेंट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1955 में बनाया गया है मध्य प्रदेश में, आपको इतना याद रखना दोस्तों। और असम की बात हुई है तो असम की कैपिटल दिसपुर है, यहाँ के जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के CM कौन है? तो यहाँ के CM है सर्वानंद सोनोवाल, यहाँ के CM है। और वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, जो कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है पूछा जाता है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और एक और है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम में है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कंचनजंगा और कांजीरंगा में,
कांजीरंगा असम में है और कंचनजंगा सिक्किम में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गेंडा के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो इतना आपको दोनों स्टेट के बारे में याद रखना है। हाल ही में शतरंज के लिए कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने जीती है, तो हाल ही में शतरंज के लिए कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी अभिजीत गुप्ता ने जीती है और उन्होंने नौवे और अंतिम दौरे में इटली के लुइस बेसो के साथ एक आसान सा ड्रॉ मैच खेला था, याद रखिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट तो यह है कि कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी अभिजीत गुप्ता ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक नई मुद्रा का औपचारिक व्यापार शुरू किया है जिससे कि यह डॉलर को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब कि हाल ही में किस देश ने एक नई मुद्रा का औपचारिक रूप से व्यापार करने के लिए शुरू किया है जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो डॉलर की कीमत है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो ये जिम्बाब्वे है, ये है जो नई हाल ही में औपचारिक रूप से ये व्यापार के डॉलर के शुरू किया गया है, डॉलर के लिए व्यापार नीति के लिए डॉलर शुरू किया गया है जो कि डॉलर नीति को कम करेगी। तो आपको इतना याद रखना है। और जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका देश है जो कि मुद्रा के लिए प्रारंभिक दर जिसे RTGS डॉलर के रूप में जाना जाता है और ये अमेरिकी डॉलर के लगभग 2.5 प्रति अमेरिकी डॉलर होगी लगभग इसकी कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआ उड़ीसा धर्मपद संवेद कौशल साथी युवा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में धर्मपद संवेद कौशल साथी युवा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। तो उड़ीसा के बारे में आपको इतना याद रखना है और ये पहली बार है कि कौशल साथी युवा कॉन्क्लेव का उड़ीसा में 427 स्थानों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। तो उड़ीसा के बारे में इतना याद रखना है। अच्छा है, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के जो CM है नवीन पटनायक यहाँ के CM है और गवर्नर हैं गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य शराब की खेप का पता लगाने के लिए एक विशेष डॉग स्क्वाड रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये बिहार है जो कि हाल ही में एक विशेष डॉग स्क्वाड रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और किस फील्ड पे, तो शराब की खेप का पता लगाएगा ये डॉग और लगभग असम मतलब बिहार के जो क्षेत्र है बिहार में लगभग 2 साल पहले शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था और इस डॉग स्क्वाड को CID के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स का, तब तक के लिए थैंक यू।